हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई बोलेरो में दो नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शवों की शिनाख्त हो पाई। दोनों मृतक राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले बताए जा रहे। FIR दर्ज की गई है, साथ ही भिवानी और भरतपुर पुलिस जांच में जुट गई है। ये मामला भिवानी के बरवास गांव का है, जहां एक जले हुए बोलेरो में दो जले हुए कंकाल मिले। बोलेरो का रजिस्ट्रेशन राजस्थान के भरतपुर का है और जिन दो लोगों के शव मिले हैं उनकी पहचान नासिर और जुनेद के रूप में हुई है। फिलहाल स्थानीय पुलिस और भरतपुर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम में भी मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम के बजरंग दल के दो सदस्यों पर गौ तस्करी के आरोप में इन युवकों को जिंदा जलाने का आरोप है। बताया जाता है कि इन दोनों का भरतपुर से अपहरण कर भिवानी लाया गया और बारवास की ढाणी में जिंदा जला दिया गया। मामले में राजस्थान पुलिस ने गौ रक्षकों के खिलाफ अपहरण के बाद हत्या का मामला दर्ज किया है। भरतपुर IG गौरव श्रीवास्तव ने घटना को लेकर कहा कि दो अज्ञात लोगों के शव मिले हैं जो जले हुए हालात में हैं। गाड़ी वही है और ये वही व्यक्ति है जिनका अपहरण हुआ था, उन्हें जलाया गया है। इसको लेकर हमारी टीम परिजनों के साथ मौके पर है। उन्होंने कहा कि जो संदिग्ध है वो सभी हरियाणा के हैं, उनको पूछताछ के लिए लेकर आएंगे, उससे घटना की और जानकारी लग पाएगी। जिन दो लड़कों का अपहरण हुआ उसमें एक का नाम जुनेद और दूसरे का नाम नासिर है। नासिर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि जुनेद के खिलाफ 5 प्रकरण गौ तस्करी के पूर्व में दर्ज है। न्यूज डेस्क, आरआर न्यूज।